मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो हरिहंताणम नमो जयेंद्र। मंगलम में आज आपका फिर स्वागत है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे क्रोध कषाय पर आखिरी प्रवचन। उसके बाद में प्रस्तुत होगा एक मधुर भक्ति संगीत। अंत में हम दिखाएंगे आपको एक यूथ परफॉर्मेंस। आइए आज सुनते हैं स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से क्रोध निवारण के उपाय। अब तक हमने समझा क्रोध का स्वरूप क्या है, हमने जाना क्रोध की कसौटियाँ क्या है, और हमने समझे क्रोध के कारण। आज हम समझेंगे क्रोध निवारण के उपाय। चलिए चलते हैं प्रवचन की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या मंगलम कुंदकुंदाद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज फिर एक बार हम क्रोध कषाय पर विचार करें। पहले दिन हमने चर्चा की क्रोध का स्वरूप क्या है, दूसरे दिन हमने विचार किया क्रोध की वास्तविकता या क्रोध की कसौटियाँ क्या क्या है, तीसरे दिन हमने विचार किया क्रोध आने के कारण क्या क्या है, आज हम विचार करें क्रोध मुक्ति का उपाय क्या है। मुझे जैन आगम के दो श्लोक याद आ रहे हैं, उस श्लोक का पहले उच्चारण करें फिर हम उसके समाधान पर जाएं। कहाँ है, को हो पीम पणासे माणो विनय नाशनो माया मित्ताणि नासे लोहो सव उवसमेण हणे को हम माणम मद्दवयाजिने माया चज्जेव भावेण लोहो संतोषोजिने। ये श्लोक भगवान महावीर द्वारा रचित 2600 वर्ष पहले का श्लोक है। प्राकृत में है, कहा है कोहो पीम पणा से, क्रोध प्रेम का नाश करता है। जहां क्रोध है समझ लीजिएगा वहां प्रेम टिकता नहीं है। क्रोध प्रेम तत्व को डिस्ट्रॉय कर देता है। परिवार में जब भी क्रोध का आवेश आता है
प्रेम के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती है। जहां प्रेम होगा तो वहां क्रोध नहीं होगा, ये सामान्य नियम है। क्रोध वहां प्रेम नहीं, प्रेम वहां क्रोध नहीं। हम व्यवहार में भी देखते हैं जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है उसकी ऐसी बातें भी हम स्वीकार कर लेते हैं, सह लेते हैं, सुन लेते हैं जो हमें मान्य नहीं है। जो हमें क्रोध आता है फिर भी एक मेरा बहुत प्यारा आदमी ये कह रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत जिसके प्रति प्रेम भाव होता है उसकी कुछ हरकतें सह ली जाती है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध नहीं, जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं। कोहो पीम पणासे, बहुत अच्छा सूत्र है, याद रखिए, क्रोध प्रेम को नष्ट करता है। अब आज हम विचार करें क्रोध से मुक्त होने के उपाय क्या क्या, कौन सी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है जिसको उपयोग में लाने से क्रोध को जीता जाए। कुछ रास्ते पर विचार किया जाए। पहला क्रोध मुक्ति का उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है, बताया गया है उवसमेण हणे कोहम, उवसमेण हणे कोहम, उपशांत भाव से क्रोध को जीतो। बहुत अच्छा शब्द है उपशांत रहना, अपने आप को उपशांत रखना। उपशांत यानी जैसे दूध में उफान आता है और उस समय पानी का छींटा डाल दो, दूध का उफान शांत हो जाता है। क्रोध अंदर से उठ रहा है और हम अपने आप को उपशांत कर दे तो क्रोध शांत हो जाता है। उपशांत का अर्थ है शांत रहने का संकल्प। हर व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए सुबह उठने के साथ कि आज दिन भर में शांत रहूंगा, आज दिन भर मैं अपने मन के बैलेंस को बनाए रखूंगा। ऐसा संकल्प करके यदि दिन चालू किया जाए तो बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। यदि आपने मन में एक संकल्प कर लिया कि मुझे शांत रहना, किसी भी परिस्थिति में मैं अपसेट नहीं होऊंगा, ये संकल्प करके आप घर से निकलो और प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, लेकिन आप उस समय देखोगे क्रोध के समय आपका बोध जागृत रहेगा और बोध जागृत रहेगा, अवेयरनेस होगी तो क्रोध नहीं आएगा। हम क्रोध में बेहोश हो जाते हैं, अवेयरनेस खो बैठते हैं, इसलिए क्रोध में लिप्त हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए, बोध भाव बढ़ाने के लिए हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें कि मैं शांत रहूंगा, मुझे शांत रहने का अभ्यास करना है, मैं अपने चेहरे को सतत प्रशांत भाव में रखूंगा। देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। पहला उपाय उवसमेण हणे कोहम, उपशांत भाव से क्रोध को जीते। क्रोध मुक्ति का दूसरा उपाय बन सकता है, हम एक निश्चय करें अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार के प्रति, कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, मेरे द्वारा किसी का नुकसान न हो, मेरे द्वारा किसी का घाटा न हो। अगर इतना छोटा सा संकल्प कर लो तो बहुत सारी क्रोध की स्थितियां आपको विचलित नहीं करेगी। मेरे द्वारा किसी का अहित न हो तो फिर क्रोध कैसे आएगा, नहीं आएगा। एक संकल्प करके चले। कई बार क्या होता है कि मैं यदि क्रोध न करूं, मैं किसी ने मेरे पर क्रोध किया और मैं उसको रिस्पॉन्स ना दूं, मैं उसके सामने जवाब ना दूं, मैं उस समय शांत रहने की कोशिश करूं, तो शायद सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आएगा, वो एकदम फिर आपके ऊपर उड़ल पड़ेगा। तो क्या करें, हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा बात कही गई है कि हम तो क्रोध करें ही नहीं, लेकिन हम ऐसा निमित्त भी खड़ा न करें कि मेरे निमित्त से किसी दूसरे को गुस्सा आए, साथ में रहने वाले को
सामने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड पता चल जाता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो वो क्रोध करेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो उसको क्रोध आएगा, मैं इस तरह का बर्ताव करूंगा तो वो उत्तेजित हो बैठेंगे। आपको उसकी वीकनेस का पता हो तो आप ऐसी परिस्थिति ही खड़ी न करो कि वो व्यक्ति को आपके ऊपर क्रोधित होना पड़े। तो हम दूसरे के क्रोधी बनने में भी निमित्त न बने, ये बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। भगवान महावीर साधना काल में जब वो संगम नाम के देवता उसको बहुत कष्ट दे रहे थे, तो पहली बार महावीर की साधना काल में भगवान महावीर, प्रभु महावीर की आंखों में अश्रु की धारा फूटी, पहली बार अश्रु निकले। आश्चर्य होगा कि भगवान क्या कष्ट सह नहीं पाए, क्या पीड़ा होने लगी, क्यों अश्रु आए। अश्रु आने का मूल कारण यह था कि भगवान सोच रहे थे कि मेरे निमित्त से एक अज्ञानी जीव कर्म बांध रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के कर्म बंधन में मैं खुद निमित्त बनूं। ये बहुत महान विचार है, महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं कि मैं किसी के खराब होने में निमित्त भी न बनूं, इस संकल्प किया जाए। तो खैर हम एक आउटलाइन बनाएं कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, और हम सतत बराबर देखते रहे कि आज मेरे द्वारा किसी का अहित तो नहीं हुआ, तो क्रोध की स्थितियां बच जाएगी, हम दोनों क्रोध की स्थितियों से बच जाएगा, सामना वाला भी आप पर नहीं करेगा, आप पर ऊपर नहीं करोगे। क्रोध को वश में करने का तीसरा उपाय हो सकता है हम रिएक्शन न करें, रिस्पॉन्स दें। लगभग आदमी का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि किसी ने कुछ कहा बस तत्काल उबल पड़ते, एक क्षण को भी धैर्य नहीं रख पाते हैं, टूट जाता है धैर्य और आपे के बाहर होकर उत्तेजित हो बैठते हैं। बहुत अच्छी चाबी है हम रिस्पॉन्स दें, रिएक्शन न करें। लगभग जहाँ भी धर्म स्वभाव में जब मीटिंग होती है, जब कमिटी वालों की मीटिंग होती है, तो प्राय देखना हम एक दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और जब किसी ने कोई ऐसी बात कही हम तत्काल रिएक्ट कर बैठते, सोचते भी नहीं, जरा अपने आप को पोज करके विचार नहीं करते हैं। बहुत बड़ी संस्थाओं की मीटिंग में एक बात सबको सीख लेनी चाहिए कि जब भी मीटिंग हो, जब भी ऐसी कोई डिसीजन लेने की बात के लिए हम सब एकत्रित हुए हो, जब कोई और अच्छे काम के लिए जब एकत्रित हुए हैं, तो हम उस समय एक अभ्यास करें कि इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, किसी ने कुछ कहा ना सोचे बिना तुरंत हम बोल बैठते हैं, हमारा एक शब्द निकल जाता है बिना अवेयरनेस के साथ, बेहोशी में निकला हुआ शब्द बहुत बार बहुत बड़ी दुर्घटना खड़ी कर सकते हैं। इसलिए परिवार के मुखिया लोग, परिवार के लोग, संस्था वाले लोग, पद पर प्रतिष्ठित लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम रिएक्ट ना करें। एक पंखा होता है ना, जरा सी स्विच दबाओ तुरंत घूमने लगेगा, वेट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमारे में और मशीन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस किसी ने हमारे ईगो की जरा स्विच दबाई और हम सीधे उबल पड़ते हैं। हम रिएक्शन न करें, रिस्पॉन्स दें। रिएक्शन ऑलवेज इमीडिएटली होता है, रिस्पॉन्स हमेशा रुककर थोड़ी देर बाद होता है। रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव होता है। रिएक्शन में हमेशा हम बेहोश होते हैं, रिस्पॉन्स में हमारी अवेयरनेस होती है। रिएक्शन ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव होता है, रिस्पॉन्स ऑलवेज क्रिएटिव होता है। तो ये गुस्से को शांत करने की बहुत बड़ी मास्टर की है, हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स दें। क्रोध को शांत करने की चौथी चाबी है हमेशा धीमे बोलने की आदत डालें। जो आदमी जितना धीमे बोलता है वो आदमी उतना ही शांत होता है। अब देखिएगा, आदमी के बोलने के टोन से पता चलेगा। कुछ लोगों का बोलने का टोन ही ऑलवेज हाई रहता है,
उसका स्वभाव भी उतना ही उत्तेजित होता है। तो हम एक संकल्प करें कि जब भी बोलेंगे धीमे बोले। मैंने तो ऐसा सोचा है, ऐसा लगभग देखा है कि जो आदमी जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, उसका स्वभाव बहुत गर्म होता है। हम कोशिश करें धीमे धीमे खाएं, धीमे धीमे चले, धीमे धीमे बोले, बहुत लो स्वर में बोले, तो शायद क्रोध आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धीमे बोलने वाला क्रोध करेगा कैसे? धीमे बोल बोल के क्रोध करो तो वो क्रोध थोड़ा कहा जाएगा। इसलिए हम हमेशा धीमे बोले। चौथी चाबी, जब भी क्रोध आए हम हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़कर क्रोध करके देखो, क्रोध नहीं आएगा। भगवान महावीर ने नव पुण्य में नमस्कार को एक बहुत बड़ा पुण्य माना है। हम हाथ जोड़ने की कला सीख ले। हम कोई भी व्यक्ति के सामने जब बात करें, हाथ जोड़कर बात करो ना, तो क्रोध नहीं आएगा। एक एक प्रयोग करो एक सप्ताह के लिए कि जब भी किसी से बात करें, जब भी मीटिंग में जाए, जब भी हमारी बातें होती हो, हम हाथ जोड़ के रखें, हाथ जोड़ के निवेदन करें कोई स्टेटमेंट, आप देखेंगे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। तो हम हाथ जोड़कर अपने क्रोध को जीतने की कोशिश करें। और अंतिम चाबी है क्रोध को जीतने की कि हम दूसरे के नेगेटिव व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, दूसरे के व्यवहार को ज़्यादा महत्व ना दें। दूसरे ने कुछ कर दिया तो कर दिया, डोंट गिव टू मच अटेंशन टू दैट पर्सन, तो आदमी क्रोध को जीत सकता है। तो ये कुछ 6 उपाय मैंने बतलाए हैं, उन उपाय को हम प्रयोग में लाए संकल्प पूर्वक, अवश्य हम क्रोध को जीत सकते हैं। क्रोध को जीत कर पहले कषाय को शांत करने का अभ्यास करें। आने वाले दिनों में हम दूसरे कषाय और आगे के कषाय की बात करेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। आशा है आपको उतना ही आनंद आया प्रवचन का जितना मैंने लिया है और समझा है क्रोध निवारण के उपायों के बारे में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे एक भजन के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मधुर भजन। खम्मारी खम्मा हो हो, खम्मारी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा, गणी गणी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा, खम्मारी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा, गणी गणी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा। कृष्ण को कबीर जी जन्म या दियो, कृष्णा कुखे वीर जी जनामिया जी हो। खम्मारी खम्मा हो हो, खम्मारी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा, गणी गणी खम्मा खम्मा मरवीर जी ने खम्मा। Thank you.
आइए अब देखते हैं एक परफॉर्मेंस हमारे जैन यूथ का।
आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के बाद हमें आशा है और उम्मीद भी है कि आप क्रोध करना बंद करेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा mangalamshow.com पर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। जैन